हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उस सॉल्यूशन चैप्टर को स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट्स सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूशन जो है बाइनरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, तीन कैटेगरी के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। किसी भी सॉल्यूशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो उस कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन के अंदर चेकआउट करते हैं। यूजुअली मोलैरिटी जो है ये सबसे बेस्ट मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट फिर हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डिटरमाइंड एंड इलेबोरेटेड विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। अलोंग विद द एप्लीकेशन हम इसे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि रोल्स लॉ क्या होता है। जब कभी हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या तो बढ़ता है या घटता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, वेदर इट इज अ वोलेटाइल और इट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो रोल्स लॉ दो कैटेगरीज के अंदर हम पढ़ते हैं, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। इन टोटेलिटी अगर हम रोल्स लॉ के बारे में कहें तो रोल्स लॉ होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वेयर ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स, जहां पर पी का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस अलोंग विद द पार्शियल प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में भी हम इसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे। रोल्स लॉ के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो हर एक सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, और जो फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। वो जितने भी सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ से लार्ज डेविएशन शो करते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एजियोट्रॉप्स, या जिसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि सोल्यूट के कितने पार्टिकल सोल्यूशन में हमको मिले, ये नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फोर टाइप्स में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अनदर वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अनदर वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वेपर प्रेशर में जो भी डिफरेंस आया उसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी बी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है इसलिए इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो के बी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू बी स्टैंड फॉर वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सो हमको इस क्वांटिटी को ही हमेशा निकालना होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसे हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
जब किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है सोल्यूशन से। तो अब इसकी मदद से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास, केबी की जगह अब हम केएफ का इस्तेमाल करते हैं, डिलीट मार बेकार बन गया।